नमस्कार दर्शक बंधु तेज आज आम आस पहुँची जाइए ICARDA स्टल रे एडी कौन हो कौ कौ जिन अच्छी सब डिटेल्स मैडम अच्छा आपको बुझे मैडम आप नाँटा मो ना श्रद्धाजलि महापात्र मु आईकाड़ा पाखापाखि 2016 रु मु काम करि आसुची। आईकाड़ा हूँ एक अंतर्जातिक कृषि सुस्कांतर गवेषणा केन्द्र। ये विभिन्न प्रकार मुग बिरी परसेस जातीय उपर आम किसम विभिन्न चाष करा जाए। आमर मेन फोकस हूँ OET द्वारा कि विभिन्न जो IRI द्वारा विभिन्न इक्रिसाइड विभिन्न प्रकार मुग किसम बिरी किसम जो बिहन आसे OET द्वारा रिसर्च ना ब्रीडर सीड हो नुआ फाउंडेशन सीड हो नुआ सर्टिफाइड सीड हो आम चाषी फिल्ड में आम गोटे डेमोनस्ट्रेसन कर देखा पाई था कौ बिहनटा चाषी फिल्ड में सुइटेबुल हो भल इल्ड प्रडक्शन करुच्चे तेणु से ही बिहनटा को आम गोटे वर्ष चाष कालापर जानापर से एरिया से बिहनटा को आम किप अधिक भेर अधिक भिलेज हो पार अधिक एरिया आम प्रडक्शन करपर आम लक्ष्य अच्छे आज रोचे शुष्का अंचल मानते जो पा बहुत कम अच्छी कौ कौ चाष आप ये डिटेल्स जापरेंगे आगुकालीन भिड देखा चैनल को सब्सक्राइब कर भूलुँ मैडम आपंक कहला किसटा आप डेमो रही जा मैम जमी आम कहते कि शुष्कांचल जो चाष से आपंकर जो अच्छी अर्गानाइजेसन के कौन कर सब आम जो शुष्कांचल चाष करुचे बर्तमान आम विभिन्न देखुचे धान पर आम बहुत एरिया सब राइस फैलो पड़ रही पड़िया रही था तेणु आम से एरिया मानक प्रमोट करुच्छे चाषी को जे से एरिया मानक चना चाष कर मसूर चाष कर कि आमर खेसारी चाष कर जहाँफल प्लट आमर आते पा भी आवश्यकता ना चनाटा मुझे जोटा कहूँ धान भितर आम पायरा छटा बुणा जाए जोटा धान काटार 15 दिन आगुरी जो बतलटा थाए आम धान भितर छाटी दे था जस्ट 15 दिन 20 दिन पर जो धान कटा जाए तो गचटा बढ़ी जाए आए जना जाए जितेबाद गच मारू कि आम दार धर नड़ा काटू कि आम जो अमल करूँ धानटा से तो जिते काटी हम तार मूल चना चना जो आम चाष करूँ से गचटा ग्रोथ हुए गचटा भल फुल फल भी आसे तेणु से चाष करने द्वारा मटिर जबक्षर जान भी बढ़े मुग जात डाली जातीय फसल एथ चाष करने कहुची आम समस्त सब धान चाष पर बेस नजर करु जो मुग जातीय चाष करवा डाली जबक्षर जान रिमाण बढ़ जहाँफल अमलटा आपर हम मटीटा आपर भल रहाफल आम विभिन्न प्रकार सार औषध मेडिसीन आम प्रयोग करुचे किंतु आम मटीटा को सब धान चाष सब गोटे वर्ष सारा आम धान चाष कर गोटे सार आम धान चाष करवा नेक्स्ट बेलू आम ऋतु बेलू आम निहाती जो डाली जातीय किसम करवा आम मटीटा भी ठीक रहाफल प्रडक्शन अधिक हम तेणु आम फोकस करुचे जो एरिया जाक धान पर पड़िया रही था से एरिया जाकर केमी अल्प पा खर्च बिना खर्च जमी आम चना चाष कर लोक मैंने किसी सुविधाजनक लाभ पाए आम एक कौ चना चाष गए कोढ़िया चाष जहाँपाई आमको परिश्रम करने को पड़ न था जहाँपाई मेडिसीन औषध किसी खर्च करने को पड़ न था जहाँ आम धान पर जो आम सोईंग करदे धान बुणे पूर्व आम जो सोईंग करता गचटा आम अधिक उच्च होठी जाए जहाँफल आमर से लास्ट मार्च मस जगर बेलू आम जगर चढ़ा जो यूज करते जगर चढ़ा बोली कह जाए से आम व्यवहार कर देखिपे मैम एगुड़ी कौन कौन रोज ये आम विभिन्न किसम देखूँ मुग बिरी आमर मसूर बुट महरड़ ये आम गोटे मटर ग्रीन मटर यह सब विभिन्न किसम आम चाष आम फिल्ड मानक आम डेमोनस्ट्रेसन करोचे आगे ट्राएल बेसीस चाष करोचे छोट छोट पांच बै पाँच आम गोटे 25 मीटर स्क्वायर मीटर में आम गोटे गोटे प्लटिंग करके विभिन्न प्रकार भेरिटी टेस्टिंग करुचे टेस्टिंग कलापर जो भेरिटा से ही डिस्ट्रिक्ट सुइटेबुल हो जिला जोटा अमल समय हो पार हाँ से एरिया रो क्लाइमेट को अनुसार जो भर हो किसम आम चाषी को नेक्स्ट वर्ष चाष करने कहूँ साधारण आम जो ओडिशा बिरी चाष हुए कौ किसम होता है बिरी आम विभिन्न प्रकार देखुचे जो PU31 गोटे भेर अच्छी आ गए अच्छे IPU 243 जो बिहन जाक आम पाखे 10 वर्ष पर आम से बिहनटा को यूज करने कथा नुहे जेहतु OET नुआ प्रड्यूस जो जो भेर से जगह आम से भेर यूज करवा तो आम भल अमल पाए कि चाषी मैंने जो 10 वर्ष पर तार से इल्ड भी प्रडक्शनटा कमीज तेणु आम चेषा करूँ जो भेर बिहन व्यवहार करूँ 3 वर्ष व्यवहार करूँ नेक्स्ट पर वर्ष आउ किसी बिहन से नुआ किसी किसम व्यवहार करूँ बोली मैम आप जिते बिहन देखा आमर कौटी पाइबे जो चाषी जब चाहूँ आने कौटी पाइब से देखो आम जी अपरेसन भिलेज नहींचु डिस्ट्रिक्ट नहींचु से एरिया मानक आम यहन देखा किसी जगह दे पारू ना आम गवर्नमेंट सहित OSS सहित टैग करोटी OSS चाषी मैंने जाहन आनी पारे जो एग्रीकल्चर ऑफिस अच्छी से बुझे
ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିହନ ବି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ଏବେ କେଉଁଟା ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବିହନ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବିରି ହଉ ଯେମିତି ଚଣା ହଉ କେଉଁଟା ଚାଷ କଲେ ଚାଷୀ ଟିକେ ଲାଭ ଅଧିକ ପାଇପାରିବ ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଭେରାଇଟି ବିରାଟ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁଟା ଏବେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ବିରାଟ ତାପରେ ପରେ ଆମଠୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ବିହନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଶିକ୍ଷା ବିରାଟ ଏଇ ଦୁଇଟା ବିହନ ନିହାତି ଭଲ ଅମଳ ଦେଉଛି ଆଉ ବିରି ରହୁଛି IPU 43 ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି ଆଉ ଚଣାର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଅଛି ରତନ ଆଉ ଆମର ବୁଟର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଅଛି LBG 49 ସେ ଦୁଇଟା ଏଇସବୁ ଭେରାଇଟି ଆଉ JAKI 9218 ଏସବୁ ଭେରାଇଟି ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏତେ ଯଦି କହିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପୁରା ଏତେ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଏକଦମ ସାଧାରଣ ଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବିହନ ବର୍ଗୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ମ୍ୟାମ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିହନ ବର୍ଗୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଉଛି ବିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ଟା ଅଛି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମର ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଧର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସାରିଲେ 3 ବେଳକୁ ଧର ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଗ ବିରି ସେମାନେ ତାକୁ ଚାଷ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅମଳ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମାଟି ଟେଳା ଗୋଟେ ପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିହନ ବର୍ଗୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପଟେ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିହନ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ଅଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଭଲ ଦାନା ବାହାରିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଦାନା ଯେଉଁଟା କଣା ହେଉ ଆମର କଣି ପରିକା ହେଉ କି ମାଟି ଟେଳା ହେଉ ବାହାରିଯିବ ଏଇଟା ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ବେପାରୀମାନେ ଗାଁ ଗହଳିମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ନେଇକି ବିହନଟା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେପରି ଚାଷ କଲା ପରେ ତ ନିହାତି ବିକ୍ରି କରିବେ ମାଟି ଟେଳା କି ଟିକିଏ ଛୋଟ ଦାନା ରହିଲେ ତାଙ୍କର ନିହାତି 2-3 କମିଯାଉଛି ଚାଷୀର ରେଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବେପାରୀ ସହିତ ଠିକ ନା ତୋର ମାଟି ଟେଳା ବାହାରିଛି କି ଛୋଟ ଦାନା ଆଉ ଟିକିଏ 2-3 କମେଇଦେବେ ଯଦି ଆମେ ସେ ତା'ର ଗ୍ରେଡିଂ ମେସିନ୍ କରି ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରିଲା ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବେପାରୀକୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଲାଭ କେମିତି ଉଠାଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଲେଜ୍ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଆଉ ବିରି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଚଣା ହଉ ମୁଗ ହଉ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ରହୁଛି ଆପଣ କେବଳ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁନି ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସହଯୋଗ କରିବ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।